सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाह रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मोरबा प्रखंड अंतर्गत मोरबा उत्तरी पंचायत में और हमारे बीच में है मुखिया प्रत्याशी मधु देवी जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच में है। सबसे पहले तो जनता की आवाज़ आप तक में मधु देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मधु देवी जी। आप पिछले 5 साल मुखिया रही हैं और फिर से इस बार जो है कैंडिडेट हैं, तो लोगों का समर्थन कैसा प्राप्त है आपको? समर्थन तो आप देख ही रहे हैं और इससे भी बेटर आप देखते हैं जब हमारी प्रखंड कार्यालय में नामांकन हुई थी, उस समय जो भीड़ थी, जो लोगों की आवागमन के भी मतलब थोड़ा सा भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे वो लोग क्रॉस करेंगे या चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो खैर जो भी हो, आप लोग आए इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। अच्छा मैडम, 5 साल जो आप मुखिया रही हैं, तो ऐसे 5 कामों को गिनाइए जो जनता जो आपने जनता का किया है और आपको फिर से जनता आपके माध्यम से सुन सके। सबसे पहला जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निश्चय योजना था, 7 निश्चय योजना, उसे हमने अपने पंचायत के धरातल पर उतारा है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना और तीसरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के तहत जो गरीब वृद्धा का आवास प्लस में नाम जोड़ना था वो कार्य किया मैंने। फिर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब पेंशन योजना चलाई है। और उसके अतिरिक्त जो भी हमारे पंचायत में कार्य अधूरा पड़ा था या फिर जो भी हमको नज़र आया कि ये चीज़ को स्वतः पहले करना चाहिए प्राथमिकता के रूप में, वो हमने किया। और जो कार्य बच गया है, यही प्रयास है कि पुनः हम पे जो जनता विश्वास किए हैं और उस विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगी। और जो पेंडिंग काम है, जो काम अभी नहीं हुए हैं, उस काम को पूरा करके अपने पंचायत को विकास की ओर ले जाना और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराना, ये मेरा मुख्य कार्य है जो मैं करूंगी। बस हमारी आग्रह है हमारे मोरबा उत्तरी पंचायत के तमाम जनतागण मतदातागणों से कि हमें भारी मतों से जो पिछले वर्ष पिछले 2016 में जो विश्वास हम पे जताई थी और अपने प्रेम और स्नेह आशीर्वाद के साथ हमको विजय बनाए थे, उसी प्रकार पुनः फिर 2021 के चुनाव में हम पे विश्वास, अपनी प्रेम श्रद्धा विश्वास और आशीर्वाद के साथ फिर से मुझे चुनाव में विजय बनावे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूँगी। ये मेरी उन लोगों से विनती है, आग्रह है। मैडम, आपके जो यहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी है, तो उनका कहना है कि मैडम ने 5 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया जिसके वजह से हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। ये सबसे पहली बात, वो मेरे विपक्षी हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ये चीज़ जनता के बीचों बीच आपको फील्ड में उतरना होगा इस चीज़ की जानकारी के लिए, तो आप फील्ड में उतरिए और पता कीजिए कि कहाँ कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, कौन किया है, कैसे किया है। सीधी सी बात है, हमको आगे की ओर बढ़ना है और आगे की ओर विकास करना है। पीछे, हमारे पीछे बहुत सारे लोग, बहुत प्रकार के लोग बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 100% मेरे ही पक्ष में बोले और मेरे विचार विमर्श से सहमत हो, एग्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब तक विरोधी नहीं हो तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसा अगर ना हो तो क्यों ना निर्विरोध मुखिया का चुनाव हो जाए। ऐसा हम उस चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। हम अगर अच्छे हैं, हम अगर सच्चे हैं, तो मुझे खुद पे विश्वास है और विश्वास हमको जनता की चाहिए, ना तो बाकियों की जो हमारे विरोध कुछ भी षड्यंत्र रच रहे हों या मतलब जो भी बोल रहे हों, उस चीज़ पे मुझे ध्यान जाता ही नहीं है। क्योंकि मुझे जो अपने प्रिय जनतागण का सपोर्ट सहयोग मिल रहा है, इससे हमको कौन क्या बोलता है, इस चीज़ पे हमको जरा सा भी रत्ती भर भी हमको नज़र नहीं जाता है। और ना ही उस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे तब ना जब हमको उस पे फोकस जाएगा, फोकस हमको जाता ही नहीं है। अच्छा मैडम, इस बार आप कितने वोटों से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे? हमारी उम्मीद है कि इस बार 1000+ से हम विजय होंगे, मतलब जितना हमारा बहुमत होगा उससे भी मतलब 1000+ से हम बहुमत मतों से विजय होंगे। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मोरबा उत्तरी के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अपना आग्रह उनके सामने करूंगी कि जो
पिछले पंचवर्षीय 2016 में जो विश्वास और स्नेह प्रेम आशीर्वाद के साथ मुझे विजय बनाए थे, उसी प्रकार पुनः 2021 की चुनाव में मेरा साथ सहयोग अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रदान करे और मुझे विजय घोषित करावे। मैं अपने कार्य में कार्यरत रहूंगी। जो भी मुझसे गलती हुई है मैं इस चीज़ को भी फिर से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि प्रथम बार मैंने पंचायत चुनाव लड़ा था और मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान था नहीं, जितना था उतना हमने किया और हमको अनुभव हुआ है, क्योंकि काम करते करते ही अनुभव की प्राप्ति होती है। तो ये मेरा आग्रह है कि अनुभवी हैं बस वो लोग हम पे पूरा विश्वास करें, इस बार जरा सा भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, बशर्ते भूल बस हमसे कोई भी गलती होती है तो अपनी बहू बेटी समझ के हमको टोके वहाँ पे कि आपसे ये गलती हो रही है, ये गलती ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कार्य को इस तरह होना चाहिए। तो ये भी हम अपने जनता तक मैसेज देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारी सपोर्ट करें, विजय होने के बाद भी वो हम लोगों से जुड़े रहेंगे और हम तो जुड़े रहेंगे ही, वो भी हमसे जुड़े रहें और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे, गाइड करते रहे कि हमें, क्योंकि हम मुखिया प्रत्याशी बनेंगे या फिर मुखिया बनेंगे तो उन्हीं लोगों के बदौलत बनेंगे, ना कि अपने बदौलत। अगर वो हम पे विश्वास करती हैं, ऐसा नहीं है कि हम बुद्धिजीवी हैं, सब सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसा भी नहीं है। वो लोग जैसा कहेंगे, जिस आधार पे कहेंगे, हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारे इस पंचायत को कार्यकाल चलाने में पूर्ण मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और आग्रह है कि वो हमारा सहयोग करें और हमें मार्गदर्शन देते रहे, गाइड करते रहे। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने ओर से पूरे मोरबा उत्तरी पंचायत की जितने भी मतदातागण एवं हमारे जनतागण हैं उनको मैं पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपने विजय के लिए उनसे आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मोरबा उत्तरी पंचायत। दोस्तों, हमारे बीच में मधु देवी जी मोरबा उत्तरी पंचायत से बात कर रही हैं और ये मुखिया प्रत्याशी भी हैं जिसे हम बात कर रहे थे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। अगर आप भी मोरबा उत्तरी पंचायत की जनता हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए प्रत्याशी के साथ, लेकिन नई जगह। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।